हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना हम आपके साथ कुछ बहुत ही अफोर्डेबल किचन एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके किचन को ऑर्गेनाइज रखने में, हेल्दी कुकिंग में, प्लस किचन में आपका बहुत सारा टाइम सेव करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ना ये कॉर्न पीलर। अभी जैसे कि सर्दियां हैं ना, तो आप भी अपने घर में कई यम्मी कॉर्न की रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक पिज़्ज़ा लवर हैं तो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स पे तो कॉर्न बहुत ही मज़ेदार लगता है। एंड देखिए ना, इस गैजेट से कितना ही ईजिली जो है कॉर्न रिमूव हो रहा है। ये बहुत ही अफोर्डेबल गैजेट है, आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। एकदम ही मस्ट बाय है ये। बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ आप इसके थ्रू बना सकते हैं कॉर्न की। फिर ना आपके घर में भी कई ऐसे पैकेट्स होते होंगे जो आप हाफ़ यूज़ करते हैं, फिर हाफ़ जो है रबर बैंड लगा के आपको परफेक्टली टाइट करके रखना पड़ता है। तो उसके लिए जो है हमने ये एक मिनी सीलर लिया हुआ है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये आपके पैकेट को, हाफ ओपन पैकेट को सील कर देता है, एंड काफ़ी देर तक सील जो है इसकी बरकरार रहती है। अभी देखिए आपको हम स्प्रिंकल करके भी दिखा रहे हैं ना, तो देखिए एकदम भी जो है मिर्च वगैरह नहीं गिर रही है। तो ये ना बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है इन सब चीज़ों को सील करने के लिए, वरना क्या है ना ये खुले रह जाते हैं तो फिर ख़राब भी हो सकते हैं। उसके बाद ना ये हमारा एक रीसेंट परचेज है, ये एग बॉयलर। अभी क्या होता है ना, कभी कभी ना नाश्ते के टाइम पे गैस बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, एंड अभी सर्दियाँ हैं ना तो बॉयल्ड एग ज़्यादा ही यूज़ में आ रहे हैं। तो हमने भी सोचा इस तरीके की एक मशीन ले लेते हैं। ना बहुत ही ईजी टू यूज़ है, बस इसमें इस तरीके से आपको पानी डालना है, एंड आपको फिर जितने भी अपने एग्स बॉयल करने हैं आप इसके ऊपर फिट कर दें, एंड बस इसको आपको सॉकेट में लगा दें। हार्डली ना 10 मिनट्स लगते हैं, एंड आपका जो है अंडे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हो जाते हैं, एकदम ही ना परफेक्ट बॉयल देता है इस सेट में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा हमको, एक इम्पॉर्टेंट किचन एसेंशियल्स में से। फिर ना आप इनको किचन टूल्स कह लिए या एसेंशियल्स कह लिए, ये चॉपर्स और मिंसर्स ये तो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं किचन के वर्क में। अभी क्या है, जैसे एक आध प्याज करनी है तो इस तरीके के मैनुअल चॉपर्स हैं या पुश वाले चॉपर्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर वही चीज़ अगर आपको क्वान्टिटी में करनी है तो फिर इलेक्ट्रिक चॉपर्स से तो बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड बहुत ही कम टाइम में आपको कट के मिल जाते हैं ना, आपकी कुकिंग बहुत ही ईजी कर देते हैं। फिर अगर आप एक मीट लवर हैं एंड गोश्त का कीमा वगैरह आप घर में ही बनाना पसंद करते हैं, तो इस तरीके के जो मिंसर्स आते हैं स्टील के, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अभी देखिए ना कितनी ही जल्दी इसने गोश्त का जो है कीमा बना के तैयार कर दिया। इसके ना ब्लेड्स काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, तो इनको यूज़ करके आप अपने घर में कई तरीके की लजीज मीट की रेसिपीज़ हैं वो बना सकते हैं। तो ये भी ना एक बहुत ही मस्ट है फॉर ऑल द नॉनवेज लवर्स। फिर क्या है, मोस्टली ही लोग इसको यूज़ करते ही होंगे, ये है मेजरिंग कप्स। ये इस टाइम ना किचन की, मेरे तो किचन की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्या होता है ना अगर मेजरमेंट के साथ कोई भी चीज़ बनाएं तो एकदम ही परफेक्ट बनती है। स्पेशली आप अगर बेक वेक करते हैं कोई चीज़, केक वेक बनाना है, तो उसके लिए तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए होता है। तो इस तरीके के 2 मेज़रमेंट है मेरे पास, एक जो प्लास्टिक वाले हैं एंड ये एक ग्लास वाला। इसमें क्या लिक्विड वगैरह अच्छा मेज़र हो जाता है, तो ये भी एक मस्ट बाय चीज़ है आपके घर में, ये ज़रूर से होना चाहिए। अभी तो हमने क्या अपनी दाल वगैरह और चावल वगैरह में भी इसको जो है डाल के ही रखा है ना, इससे एक परफेक्ट नाप रहती है, एंड खाना ना एकदम भी वेस्ट नहीं होता है, क्वांटिटी पता रहती है कि इतना ही बनना है। तो ये तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है एंड मस्ट बाय है ये प्रोडक्ट। देन अगर आप भी ना इस तरीके का स्टील का डिब्बा यूज़ करते हैं रोटी वगैरह रखने के लिए, तो ये कॉटन का क्लोथ आता है, इससे ना अच्छी आपकी जो रोटी में है स्टीम बनी रहती है, रोटी बहुत देर तक ताज़ी रहती है। अभी जैसे कि आपने जल्दी में सुबह रोटी बना के रख दी है, दोपहर में आपको यूज़ करनी है उसको, तो इस तरीके के जो है ये कॉटन के क्लोथ से अगर आप अपनी रोटी लपेट देते हैं ना, तो ये काफ़ी देर तक जो है ये गर्म रहेगी, एंड आपको जब खाना हो तो एकदम गर्म गर्म रोटी मिलेगी। देन अगर आप एकदम ही हॉट खाना सर्व करना चाहते हैं एंड नीचे प्लास्टिक का मैट वगैरह लगा है, तो इस तरीके की हॉट यूटेंसिल स्टैंड्स आते हैं, इसमें बैम्बू के स्टैंड्स भी आते हैं, तो इनको जो है आप आराम से अपने डाइनिंग टेबल पे रख के कोई भी खाना जो है हॉट यूटेंसिल में सर्व कर सकते हैं। इससे आपकी क्या है टेबल भी सिक्योर रहेगी, एंड ये आपके बर्तन को भी एक बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट देता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा आइटम है कोई भी हॉट बर्तन वगैरह रखने के लिए। एंड ये जो बैम्बू वाले होते हैं ना, इनके तो काफ़ी मल्टीपल यूजेस हैं। अभी देखिए जैसे कि हमने इस पर पॉट एंड जार वगैरह भी रख लिया है,
फिर ये मैशर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं। अभी क्या है, जैसे आलू वगैरह मैश करना है तो ये जाली वाला मैशर ठीक रहेगा, पर अगर ये प्याज है या पाव भाजी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें बाकी सब्ज़ी वगैरह आपको मैश करनी है, तो इस तरीके के जो मैशर्स हैं इसमें ब्लेड लगी होती है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये मैशर्स वगैरह भी आपके किचन में, खाने में, कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन ना ये एक हैंड ग्लव्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किचन एसेंशियल्स में से हैं। अभी क्या है, जैसे कोई गर्म बर्तन आपको पकड़ना है या कोई पैन आपको ओपन करना है या कुछ माइक्रोवेव वगैरह से निकालना है, तो उसके लिए जो है ये ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। स्पेसिफिकली ये माइक्रोवेव के लिए ही होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इस तरीके का ना यूटेंसिल होल्डर भी आता है। अगर आपको जैसे छोटे वगैरह बर्तन हैं, छोटा चाय वगैरह निकालना है, तो उसके लिए ये होल्डर एकदम ही बेस्ट रहता है। उसके बाद आते हैं ना ये 2-in-1 पीलर प्लस कटर। ये भी आपको मार्केट में कहीं भी इसलिए मिल जाएंगे। पीलर तो इसका नॉर्मली है जिस तरीके का होता है, बस इसमें क्या है पीलर के साथ कटर भी दिया गया है, तो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स वगैरह भी आप इससे इजीली कट कर सकते हैं। देन ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किचन एसेंशियल है, वो है ये सिंक स्ट्रेनर। अगर ना इसमें सिंक में काफ़ी चावल वगैरह या कुछ भी बड़ा खाना चला जाए तो सिंक ना ब्लॉक होने में 2 मिनट भी नहीं लगते, और सिंक का फिर ड्रेनेज वगैरह खोलना एक बहुत लंबा काम हो जाता है, तो उससे बेहतर है कि इस तरीके का जो है स्ट्रेनर आप लगा कर ही रखें। फिर ना स्क्वीज़र्स वगैरह भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपको क्वांटिटी में लेमन का जूस चाहिए है किसी भी डिश के लिए या शरबत वगैरह के लिए, तो ये भी ना बहुत ही इजी टू यूज़ है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। फिर ना बॉटल्स वगैरह के लिए इस तरीके के जो ब्रशेस होते हैं ना, ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं, स्पेशली अगर आपको बच्चे की बॉटल जो कि एकदम ही साफ़ एंड हाइजीनिक रखनी रहती है, तो इस तरीके के जो है हमने मीमी के ब्रशेस लेके रखे हैं। इसमें जो है इसके निप्पल के लिए भी छोटा ब्रश दिया गया है साथ में ही, तो ये बहुत ही अच्छा क्लीन करता है बॉटल्स को। सो बस यही थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट किचन एसेंशियल्स। अगर आपको कोई भी अच्छा लगे तो आप भी अपने घर के लिए ज़रूर से इनको बाय करें। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, बाय।